हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग योर नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपने बच्चे के रूल्स जो कल हमने छोड़े थे। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल को बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, इसमें अभी तक आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट मिलता था, लेकिन इसमें फोर्थ रूल में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ही नहीं है। तब आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहिए ताकि आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, ये हमारा रूल नंबर थर्ड है, इसे हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए रूल नंबर थर्ड, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हूज के साथ हमसे संबंधित नाउन से जुड़े होते हैं। तो हाउ मेनी का मतलब होता है भैया कितना, कितनी, कितने। ठीक है, कितना, कितनी या फिर कितने। और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने। व्हिच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है, या फिर कौन सा, कौन सी, कौन से। व्हिच का मतलब होता है किसका, किसके, किसके, मतलब तीनों में से कोई एक। ठीक है, इनसे संबंधित नाउन्स भी जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तो ये नाउन कहाँ गया, तुम कितने, यानी हाउ मेनी। अब मील ये जो जुड़ा है यही है नाउन आपका, तो इनसे संबंधित नाउन्स जुड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि हाउ मेनी और हाउ मच, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, कितना, कितनी, कितनी। तो क्या इनके यूजेस में डिफरेंस है या जहां चाहे तहां इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जो गिने जा सकते हैं, और हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे मैंने आपको दिया एप्पल्स, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस टोकरी में रखे एप्पल्स को गिनिए, यू कैन काउंट इट। अब निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10 एप्पल। इधर मैंने दिया आपको ए ग्लास ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ ग्लास। मैंने कहा इसमें गिनिए कितने मिल्क हैं, कितने दूध हैं इस ग्लास में, आप नहीं गिन पाएंगे, तो इसलिए हमारे अनकाउंटेबल हुए। तो ऐसे तत्व जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे, जैसे इधर, और ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। क्या देखिए, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तो पहले हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग कर लेंगे। तो मील को आप गिन सकते हैं ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब प्लस नाउन, तो नाउन यही जो रहता है इसके बाद में, ठीक है, तो हाउ मेनी मील्स। अब देखिए डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो तुम है यानी यू, प्लूरल है ना, तो डू, ठीक है। अब सब्जेक्ट यानी यू, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे भैया, जो कुछ बचा हुआ लिख दीजिए, प्रतिदिन टहलते हो, तो हाउ मेनी मील्स डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो टहला क्या हो जाएगा, वॉक, बचा क्या, प्रतिदिन यानी डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है, वह रोज कितना दूध पीती है, तो कितना यानी हाउ मच और दूध, ये प्लस नाउन हो गया, ठीक है, तो ये पूरा इधर आएगा, ऐसा नहीं है केवल हाउ मेनी आएगा, ये मिल्क भी इसी के साथ जुड़ा रहेगा भैया, तो हाउ मच मिल्क, ये हमेशा जुड़ा रहेगा, इसे आप उठाकर पीछे नहीं कर सकते, हाउ मच मिल्क इसी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। यानी आप सिंपली ये समझिए कि हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हूज के बाद, यानी कितना, कितने, कितने, कौन से, कैसा, ठीक है, किसका, किसके, किसके, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा जुड़ा रहेगा अंग्रेजी नाउन में। तो हाउ मच मिल्क, अब डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो वह सब्जेक्ट हमारा ही है सिंगुलर यानी डज, सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है, तो हाउ मच मिल्क डू सी, ठीक है। अब बोथ के फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ठीक है, रोज सुबह यानी इवनिंग मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। अब आइए समझते हैं अपने व्हिच और हूज को। अब आप देख सकते हैं आपका बेटा कौन सा कार चला था, तो कौन सा आ गया है, इसे आगे लाएंगे हम लोग, इसका मीनिंग होता है व्हिच यानी व्हिच, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है नाउन जुड़ा रहता है, तो कार जुड़ा हुआ है तो कार भी साथ ही साथ रहेगा यानी व्हिच कार, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डू या डज, तो आपका बेटा यानी योर सन, सिंगुलर है यानी यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, तो व्हिच कार डज योर सन, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब बी वन यानी ड्राइव, ठीक है, आपका बेटा कौन सा कार चलाता है। फोर्थ सेंटेंस है, वे इन दिनों किसकी किताबें पढ़ते हैं,
किसकी इसे आगे ले आइए, क्या हो जाएगा होश, और नाउन ये जुड़ा हुआ है किताबें, किताबें क्या है नाउन है, इस दुनिया में हर वो चीज, हर वो वस्तु जो प्रेजेंट है वो नाउन है, हर वस्तु कहने का मतलब नाउन ही है, ठीक है, तो नाउन जुड़ा हुआ है यानी होश, उसके बाद में क्या बॉक्स है, वे इन दिनों पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं वे, तो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है यानी यहाँ पर डू, फिर सब्जेक्ट यानी दे, तो हुज बुक्स डू दे पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड, अब क्या बचा इन दिनों यानी दीज डेज, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी हाउ मच हुज और हुज के एक एक दो दो, और मैंने कहा तुम कितनी, ठीक है, तुम कितने पेन खरीदते हो, तो हाउ मेनी पेन, क्योंकि पेन को आप किन सकते हैं इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग किया यहां पर, तो हाउ मेनी पेन डू यू बाय, ठीक है, तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर, ठीक है, डू यू ड्रिंक, ओके, तो फिर कहते हो दोस्तों कि हाउ मेनी हाउ मच हुई जो रूल्स के बाद तो डाउट सारे क्लियर हो गए, स्ट्रक्चर आप याद कर लिए थे, हाँ ये जरूर याद रखिए बहुत बेसिक पॉइंट है कि इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कि व्हिच के बाद जस्ट आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लें, ठीक है, अब आइए समझते हैं अपने फोर्थ और फिफ्थ रूल को, बट फ्रेंड्स हु का रूल सबसे डिफरेंट है, ठीक है, इसका एक अपना अलग ही रूल होता है, आइए समझते हैं इसे, ये हमारा रूल फोर्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये कहता है यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर B1 या B5 आदि, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अभी तक आपने देखा चाहे वो अफर्मेटिव था, नेगेटिव था या इंट्रोगेटिव था, हमेशा सब्जेक्ट रहता था, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर जो हु क्वेश्चन वर्ड यानी कौन जो होता है यही अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसे हम लगाते तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो इसकी हम रचना करते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव की भांति होता है, जैसे अफर्मेटिव में हम लोग यूज करते थे ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ क्या B5 और IVUD के साथ B1, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, ये जो हो भाई से हम क्वेश्चन वर्ड ना मानकर सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अब ये करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट, यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या हो गया बॉब हो गया, अब बॉब से पूछिए कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है भैया, किसे पढ़ाता है तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट मिल गया लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ये घूम फिर कर यहीं पर आ रहा है कौन पर, ठीक है, तो कौन ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसे हम सब्जेक्ट मान लेंगे, तो हु मिस होता है कौन, ठीक है, तो कौन की मीनिंग लिखेंगे यहां पर हु, अब बात करते हैं कि कब B5 लगाएंगे कब B1 लगाएंगे, तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कोई एक आदमी होगा, कोई एक अध्यापक होगा जो आपको अंग्रेजी पढ़ाता होगा, ऐसा तो है नहीं कि तमाम लोग लगभग आप बैठे हुए हैं और 100 लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, यानी यहाँ पर जो कौन वाला सब्जेक्ट है, कौन पढ़ाता है, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो B5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी हु टीच और इसमें जुड़ गया ES, तो हु टीचेस यू, अब क्या पढ़ाता है यहाँ पर लिखेंगे पहले हम ऑब्जेक्ट यू इंग्लिश, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेकेंड है कौन कौन नारायणा इंस्टीट्यूट पढ़ता है, अब एक नारायणा इंस्टीट्यूट है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन पढ़ता है, यानी ये नहीं पूछ रहा कि कौन पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है यानी तमाम लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग हैं इसमें, अब यहाँ पर जो हु आएगा आपका, यहाँ पर हु सिंगुलर था लेकिन यहाँ वाला हु आपका प्लुरल हो जाएगा, दैट इज वाई हम यहाँ पर B1 का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, तो जब कौन आए तो B5 और जब कौन कौन आए तो B1, क्लियर, तो हु, ठीक है, अब पढ़ना हो गया क्या बॉब यानी लर्न, यहां पर लर्न नहीं होगा केवल लर्न होगा, तो हु लर्न फ्रॉम नारायणा इंस्टीट्यूट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसी प्रकार हमारा थर्ड है कौन कौन मुझे जानता है, यानी मुझे जानने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, तो कौन कौन हमारा यहाँ पर जो है यानी हु प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे B1 का, तो हु नो मी, ठीक है, जानना का हो गया नो, अगर यही पर होता कौन मुझे जानता है तो हु नोज मी, हु नोज मी, ठीक है, तुम्हें कौन पीटता है, यानी कोई एक ही बंदा पीट रहा है, ठीक है, यानी हु बीट्स यू,
तुम्हें कौन कौन पीटता है, हु बीट यू, ठीक है। तो आई होप आप लोग डिफरेंस को समझ चुके होंगे इसके बीच के, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये थे आपके क्या अफर्मेटिव, लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाए तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे देखिए कौन कौन मुझे नहीं जानता है, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर जब नहीं रहेगा तो हु हो जाएगा, और यहाँ पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे हम, तो हु ठीक है डू नॉट हो जाएगा नो मी, ठीक है, जैसे पिछले हो यानी नेगेटिव सेंटेंस में हुआ करता था हु डू नॉट नो मी, यहां पर इसका मीनिंग होगा कौन कौन मुझे नहीं जानता, और अगर कौन मुझे नहीं जानता तो वहां पर डज नॉट हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब आइए समझते अपने नेक्स्ट रूल को। माय फ्रेंड्स, हमारा रूल फिफ्थ है, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लगा देते हैं, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का माजरा खत्म हुआ यहाँ पर, बस केवल आपको सब्जेक्ट जहां पर लिखते थे वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब से पहले उसी के बीच में लग जाएगा क्या नॉट। जैसे देखिए, क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो, ठीक है कौन नहीं मानते भैया, तुम, क्या हो गया सब्जेक्ट, किसका नहीं मानते हो अपने माता पिता का, ऑब्जेक्ट, कहना वर्ब नहीं यानी नेगेटिव हो गया, तो कहना मानना ये दोनों वर्ब है हमारा। अब क्या आ गया है, यानी हमारी शुरुआत क्या होगी, सेंटेंस की शुरुआत जो होगी हेल्पिंग वर्ब से होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डू या डज होती है, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम है, यानी इसकी शुरुआत क्या होगा डू से होगा, ठीक है तो डू यू। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की जस्ट बाद नॉट लगाना है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो डू यू नॉट ओबे हमारा हो गया क्या वर्ब, तो डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो सब्जेक्ट और वर्ब इसी दोनों के बीच क्या लग गया नॉट, ठीक है, तो क्लिक इन योर माइंड कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। एंड सेकेंड है, वह इस गांव में क्यों नहीं रहता, क्यों क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले से आगे घसीट कर लाइए, आप जानते हैं कौन नहीं रहता, वह हो गया हमारा क्या सब्जेक्ट, रहना हो गया वर्ब, कहाँ इस गाँव में ऑब्जेक्ट, यानी व्हाई, अब वह यानी सिंगुलर है तो व्हाई डज, ठीक, अब ही यानी सब्जेक्ट आ गया हमारा, इसी के जट पर नॉट, अब लिव, फिर बचा क्या इस गांव में यानी इन दिस विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा कि व्हाई डू ही नॉट, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ ना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, और आज की इस वीडियो के साथ हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समाप्त होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं ही बचा होगा, अगर कोई कंफ्यूजन तो अभी लिखे कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोने कोने में वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है कोने कोने में वीडियो पहुंचना चाहिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं सबसे गलत बात है, ठीक है दोस्तों। और होमवर्क में अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो आप लोग पैनिक मत हुई, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गलतियाँ उसी इंसान से होती है जो सीखता है, एंड ये साक्ष्य है कि आप लोग सीख रहे हैं तभी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है तो गलतियां करते हैं आम बात, लेकिन ये गलतियां वहां नहीं दोहरानी है, इसलिए मैं यहां गलतियां करवा रहे हैं, आप यहां पर गलतियां कीजिए, यू आर फ्री हियर टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है, लेकिन बाहर आप गलतियां नहीं कर सकते, ओके यहां आप गलतियां करिए दोस्तों। ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इन सभी को आप लोग सभी लोग होमवर्क जरूर करिए, होमवर्क से आपकी प्रैक्टिस होती है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कांट लर्न इंग्लिश, ठीक है, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत वस सुजान और अस्सी आवत जावत सिर पर प्रत निशान, तो इतने मजबूत पत्थर को एक साधारण सी रस्सी जब काट देती है तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस में कितनी ताकत है, तो सब कुछ वेस्ट है तो प्रैक्टिस में वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार हज़ार बार उतने ही ज़्यादा आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे, उतने ही ज़्यादा स्किलफुल हो पाएंगे, तो प्रैक्टिस को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास बुक होगी, बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन होंगे, पूरे टेंस के क्वेश्चन होंगे, आप उसे ट्रांसलेट करिए, मेरे होमवर्क के अलावा आप और भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है आप मोबाइल से सेंटेंसेस को मांग कर ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो अगर आप सीखना चाहें तो कहीं से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे।
हम लोग पास्ट इन्फिनिटी के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।